تفصيل جنوبی کشیر ہندس کۄلگٲمِس منٛز چھُ وُنہِ کینٛہہ کال برونٛہہ فورسز اہلکارن تہٕ ملٹنٹن درمیان تمہِ ساتہٕ جڑپ سپزمٕژ ییٚلہِ فورسز اہلکارو طرفہٕ علاقُک گیرٕ کرنہٕ آو. پُلسہٕ بیان مُطٲبق چھُ وننہٕ آمُت زِ فوج سی آر پی ایف تہٕ ایس او جی اہلکارو طرفہٕ چھِ اکھ مُصدِقہٕ اطلاع میلنس پٮ۪ٹھ پٲرگوم کۄلگامیُک گیرٕ کرنہٕ آمُت یتھ دوران علاقس منٛز موجود ملٹنٹن تہٕ فورسز اہلکارن درمیان گولین ہُنٛد تبادلہٕ سپُد. ییٚتہِ علاقس منٛز فورسز اہلکارن تہٕ ملٹنٹن درمیان گولین ہُنٛد تبادلہٕ جٲری چھُ تتہِ چھُ جنوبی کٔشیٖر پٮ۪ٹھ اسہِ سۭتۍ وٕنکیٚن سٲنۍ سٲتھی فدا حسین. فدا، کیاہ تازٕ ترین تفصیٖلات چھِ اینکاونٹرس حوالہٕ؟ देखिए अमीन, मैं बता दूं आपको कि जनूबी कश्मीर का जिला कुलगाम और जिला कुलगाम में एक बार फिर गोली चलने की आवाज वो सुनाई दी गई है और एक बार फिर जो ये गोली है ये झड़प में तब्दील हुई. पारीबंद का इलाका, पारीबंद जिला कुलगाम का इलाका जहां पर देखा जाए दिसंबर के पिछले साल के दिसंबर महीने में काफी ज्यादा झड़पें हुई और अगर जनवरी इस साल के जनवरी के आगाज की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पे जो जिला कुलगाम है, जिला कुलगाम में आज शाम को को एक खबर मिलती है कि पारीवन इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद है. उसके बाद जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया, मुहासरा जो ही शुरू किया तो बताया जाता है कि वहां पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई. उसके बाद ये कहा गया, जब पुलिस ने अपना ट्वीट जारी किया, पुलिस ने कहा कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच आमना सामना भी हुआ है. अब इस झड़प में और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि रात का वक्त है और रात के वक्त क्या ये रात भर चलेगा या कुछ ही देर के बाद खत्म होगा, ये कहना अभी मुश्किल होगा अमीन, क्योंकि रात के वक्त कहीं पर भी ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हम पुलिस की बात करेंगे, इंडियन आर्मी या सीआरपीएफ की बात करेंगे, तो उनके लिए एक चैलेंज ये रहता है कि आम लोगों को, अगर रिहायशी इलाकों की बात करेंगे, जब रिहायशी इलाके में होती है वहां पर लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए. उसके बाद उनकी सारी नजरें जो है उस एनकाउंटर पर रहती है जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद होते हैं. लेकिन पुलिस जो है पहले मौका भी देती है कि ये अपना अपने आप को ये पुलिस के अगर इस अमे इलाक कत करो इस पर्वन इलाक क्या यह रिहायशी इलाक यह जंगली इलाक या यह जंगलस नजदीक तो एनकाउंटर शुरू सपदन सी क्या एहतियाती तदाबीर फोर्सेस अहलकारों तरफ तुलना आम ताकि आम लोगों की हिफाजत यकीनी बनाना. देखिए अमीन, अगर हम जिला कुलगाम के पारीवन इलाके की टोपोग्राफी की बात करेंगे, क्योंकि रिहायशी इलाके बहुत ज्यादा है वहां पर, और जब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली, ये खबर मिली कि वहां पर कुछ मिलिटेंट हो सकते हैं, उसके बाद जब मैंने पहले भी आगाज में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है शाम के वक्त, या अगर हम रात की बात करें कि रात का वक्त शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं पे जो प्रायोरिटी उनकी रहती है, और जो सबसे पहले, क्योंकि पूरे इलाके में ये कहा जा रहा है कि जो हमारी बात भी हुई है कुछ देर पहले अपने राय के साथ, तो उन्होंने कहा कि लाइटें भी नष्ट की गई है ताकि जो वहां पर मौजूद मिलिटेंट है वो कहीं अंधेरे का फायदा ना उठा पाए, क्योंकि इस झड़प में और कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है. क्या ये रात भर चलेगा, क्या ये सुबह तक चलेगा, या कुछ ही देर के बाद इख्तिताम पजीर होगा, ये कहना अभी कहना मुश्किल ही होगा अमीन. लेकिन जो पारीवन से खबर सामने आ रही है वो यही है कि वहां पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच झड़प शुरू हो चुकी है. अमीन, तुम्हें सेठा शुक्रिया ताजा तरीन तफसीलात फराहम करने खातर. नाजरीन, यम फिदा हुसैन यम जन जनूबी कशीर हवाल तफसीलात फराहम इस करन तात एनकाउंटर सवाल यूस वुनी क्या काल ब्रो पारीवन کۄلگٲمۍ علاقس منٛز فورسز اہلکارن تہٕ ملٹنٹن درمیان شروع سپُد. ییٚتہِ پُلسہٕ طرفہٕ ٹویٹرس پٮ۪ٹھ ٹویٹ کران وننہٕ چھُ آمُت زِ گولین ہُنٛد تبادلہٕ چھُ فورسز اہلکارن تہٕ ملٹنٹن درمیان جٲری. تتہِ چھُ ذرایو پٮ۪ٹھ وننہٕ آمُت زِ اینکاؤنٹر سایٹ نزدیٖک چھِ اکھ عدمی شناخت لاش تہِ وٕچھنہٕ آمٕژ. تاہم چھُنہٕ پُلسہٕ طرفہٕ امہِ خبرِ ہٕنٛز تصدیٖق یا تردیٖد ٲخری اطلاع واتنس تام کرنہٕ آمُت.